नमस्कार। तो ये जो भव्य स्थान आप देख रहे हैं प्राकृतिक से सराबोर, ये गवाह बनने जा रहा है एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नूतन योग आंदोलन का। जी हाँ, साधक सम्मेलन, जो सूचना आपने पढ़ी इस वीडियो के शुरुआत में कि हम 4, 5, 6 अगस्त को एक साधक सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें भारत प्रांत के विभिन्न क्षेत्रों के साधक इस कार्यक्रम में जुड़े। इसका ये वीडियो एक आह्वान है। क्यों? क्योंकि योग के जगत में हमेशा एक नूतन आंदोलन की आवश्यकता जान पड़ी है। गंगा गंगोत्री से निकल जाती है और गंगा सागर आते आते इस प्रभाव में काफ़ी गंदगियां आ जाती है। योग की धारा जिस पर्पस से शुरू हुई हो वो पर्पस कहीं खो जाता है और बाजार हावी हो जाता है, योग के जगह प्रोडक्ट ले लेते हैं। इसलिए योग के नए सूत्र को गढ़ने की जरूरत है। योग बहुत प्राचीन रहा है, कभी बीच में पतंजलि आए, तो कभी बुद्ध आए, कभी महावीर आए, कभी नानक आए, कभी शंकराचार्य आए। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया आंदोलन, नया प्रवाह है। बीच बीच में आवश्यकता है और इसीलिए ये आह्वान आपको है। और हर आंदोलन की शुरुआत एक छोटे बीज से होती है। भगवान बुद्ध जब सारनाथ पहुंचे तो मात्र अपने 5 शिष्यों के साथ उन्होंने संदेश दिया और फिर वो बौद्ध संघ एक विराट रूप में न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर अपना वटवृक्ष तैयार किया। गुरु नानक देव आए तो उन्होंने भी पंच प्यारे, उनके जो पंच प्यारे कहलाए, जिनको उन्होंने पहली शिक्षा दी। और आज सिख धर्म एक आधार लेकर के एक संप्रदाय के तौर पर एक बेहतर कार्य को संपादित कर रहा है। तो कभी शंकराचार्य आए और अकेले निकले पड़े और जो कर्मकांड आ गया था धर्म के नाम पर, उनको मिटाने के लिए उन्होंने अभियान छेड़ा और उस अभियान में उन्होंने 4 जगह महत्वपूर्ण मठ अपने कम उम्र में स्थापित किया। इसीलिए छोटे बीज को ध्यान ना दीजिए, बल्कि उसमें जो वटवृक्ष की संभावना है उस संभावनाओं को टटोलना है। और कभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना तो इसी तरह पंडित जी निकले, मालवीय जी, और उन्हें पता भी नहीं था कि एक ऐसा विश्वविद्यालय तैयार हो रहा है जो उनके जाने के बाद भी लाखों लोगों के जीवन को संजोएगा, संवारेगा। इसलिए हर वटवृक्ष एक छोटे से बीज में समाया हुआ रहता है। इसलिए ये आंदोलन एक आह्वान है आपको कि जो भी वशिष्ठ योग के इस नूतन आंदोलन के साथ जुड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं वो इस कार्यक्रम में शरीक हो, इस कार्यक्रम में आए। ये निःशुल्क कार्यक्रम है, 3 दिवसीय साधक सम्मेलन है, जिसमें हम हर दिन सुबह अभ्यास करेंगे और उन सूत्रों को गढ़ेंगे जिससे योग अपनी पूर्णता में, अपनी वास्तविकता में, अपने ऐतिहासिक और प्राचीन गौरव के साथ आगे आ सके। इसीलिए आप सभी को इस कदम दर कदम मिला करके चलना है, साथ होना है। अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी भी रूप में जुड़ सकते हैं, चाहे शिक्षक के तौर पर, व्यवस्थापक के तौर पर, एक प्रचार तंत्र के तौर पर या स्ट्रेटजी बनाने के तौर पर, आप किसी भी स्वरूप में, कुछ कई स्वरूप हो सकते हैं। अगर आप लगता है कि आप उसमें अपना भूमिका अदा कर सकते हैं, कोई लेखन का कार्य कर सकते हैं, कोई सोशल मीडिया में चीज़ों को फैला सकते हैं, कोई विचार के तल पर अपनी बातों को रख सकते हैं, ऐसे सभी लोग इस साधक सम्मेलन में आइए। उनका भरपूर स्वागत है। ये पूरी तरह से निःशुल्क है, जिसमें आपका शानदार रहने की, खाने की व्यवस्था है। हम अभ्यास करेंगे और नए सूत्रों को गढ़ेंगे जिससे एक नूतन युवा योग आंदोलन का जन्म हो। ऑलरेडी वशिष्ठ योग फाउंडेशन के तल पर इस आश्रम को आधार बनाकर हमने एक अभियान छेड़ दिया है। भारतवर्ष के से साथ साथ भारत से बाहर भी इस पूरे अभियान में लोग जुड़ना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं। इसलिए इसका एक सशक्त प्लेटफॉर्म, एक मंच तैयार होने जा रहा है। तो आप आए इस कार्यक्रम में। जो भी इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, पहले एक बार आपको आश्रम में जो नंबर है उस पर कॉल करना पड़ेगा, हमसे या संस्थान में जो शिक्षक हैं उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। उस बातचीत के आधार पर हम आपको फाइनल करेंगे कि आप इस कार्यक्रम में आइए और एक नए अभियान में से जुड़िए। योग के नाम पर जो एक्सरसाइज या कुछ भी भ्रांतियां फैलाई जा रही है उसके खिलाफ वशिष्ठ योग फाउंडेशन एक अभियान चला रहा है और उस अभियान को हम जानते हैं कि अकेले नहीं होगा, उसके लिए एक संघ चाहिए। इसलिए बुद्ध भी अकेले निकले थे लेकिन उन्होंने संघ बनाया। पहले कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और बुद्ध और संघ का मकसद क्या था? धम्म को तैयार करना, धर्म को। इसलिए यहाँ एक आंदोलन को शुरुआत करने के लिए आपको आह्वान है, एक संघ बने और उस संघ से एक धर्म, योग धर्म का स्थापना हो और वो हमारा मकसद है। और ऐसे सभी लोग जो वशिष्ठ योग के वीडियो से हमेशा कुछ न कुछ लाभ लेते रहे हैं, कुछ न कुछ प्रेरणा लेते रहे हैं, उनको अब कुछ देने की ज़रूरत है। हम एकलव्य जैसा व्यक्ति जो बिना बस गुरु की प्रतिमा स्थापित करके कार्य करता है वो भी कुछ देता है, लेकिन हम कुछ ऐसा नहीं मांगने जा रहे हैं। हम वो मांगने जा रहे हैं जो इस वातावरण में जहाँ बीमारियाँ बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है, लोग अपने मूल जीवन के उद्देश्य से भटक करके कुछ अलग ही जीवन की खटपट में फंस गए हैं, वहाँ एक सही दिशा दी जा सके समाज को, व्यक्तित्व को, उसका ये आह्वान है। आप सभी जुड़े और मुझे खुशी होगी जब हम आपके साथ उस साधक सम्मेलन में मौजूद रहेंगे और हम सब मिल करके एक इतिहास रचेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।